अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। ख़्वाब में इमामत करना, इमाम बनना, इमाम के साथ बैठना या इमाम को ख़्वाब में मुख्तलिफ सूरतों में देखने की मुकम्मल ताबीरें आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल ड्रीम्स वर्ल्ड को विज़िट कर रहे हैं और आइंदा भी इस तरह के ख़्वाबों की मुकम्मल ताबीरें जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करते वक्त साथ लगे घंटी के निशान पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मिल सके। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि किसी कौम का इमाम बना है हालांकि इमाम न था तो दलील है कि इस कौम का सरदार होगा और सब इसके ताबे फरमा बरदार होंगे। जैसे मुक्तदी नमाज में इमाम के ताबे होते हैं। और अगर देखे कि एक ग्रोह जमात के लिए तैयार है और इसको कहा कि हमारा इमाम बन और बादशाह ने इसको इमाम बनने का हुक्म दिया और वो आगे बढ़कर इमाम बना तो दलील है कि इस मुल्क का हाकम और अमीर होगा और इनके साथ इसी कदर अदल और इंसाफ करेगा। और अगर देखे कि इमाम को वलायत दी है या इमाम के साथ घर में गया है या इमाम ने इसको कुछ बख्शा है या इसके साथ खाना खाया है तो दलील है कि इसी कदर इसको गम अंदोह पहुँचेगा। हज़रत जाबिर मगरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स देखे कि इमाम के साथ जिहाद में था तो दलील है कि दौलत और वलायत में इसके साथ शरीक होगा। और अगर देखे कि नमाज से किसी चीज़ का नुकसान किया है तो दलील है कि बकदर नुकसान दर नमाज इन पर जुल्म वगैरह करेगा। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि बैठकर इमामत करता है तो दलील है कि बीमार होगा। और अगर पहलू पर बैठा है और नमाज में कोई चीज़ पड़ी है तो दलील है कि जल्दी मरेगा और लोग उसकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। और अगर इमाम को ख्वाब में देखे तो दलील है कि इमाम के और मर्तबे के बराबर इज्जत व शर्फ पाएगा। ख्वाब में इमाम का देखना 6 वजह से है। नंबर 1 हुकूमत, नंबर 2 अदल व इंसाफ के साथ बादशाही, नंबर 3 इलम, नंबर 4 नए काम का इरादा, नंबर 5 मनफियत, नंबर 6 दुश्मन से अमन। और जो शख्स ख्वाब में औरतों की इमामत करता हुआ अपने आप को देखे तो दलील है कि ज़ईफ़ लोगों पर हाकिम होगा। और अगर देखे कि इमाम आसमान से उतरा है और वो जमात का इमाम बना है तो दलील है कि इस ज़मीन पर खुदा ताला की रहमत नाजल हुई है। और अगर मुर्दे की नमाज पढ़ाए तो दलील है कि बादशाह से हुकूमत पाएगा। हज़रत इस्माइल अशास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि जिस चीज़ को इमाम से अपने अंदर ज़्यादा देखेगा वलायत और बुजुर्गी में ज़्यादा होगा और जो कुछ अपने इमाम में कमी देखे उसी कदर माल और नेमत में नुकसान होगा।